हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवा दिन नवी शुरुआत तुहाडे नाल। सो हाजिर हां नवें ब्लॉग दे नाल, ते अज अपने नाल हैप्पी ब्लॉगिंग वाले भाजी मेरे यारे नाल आए हैं मुक्सर। ते टाइटल थंबनेल तो तुहानू पता लग गया होना। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मनी मदान को पहुंचे अज मुक्सर, क्योंकि कुछ डिफरेंट लियाना पैना सी, है ना। इदां चलनी नहीं सी अपनी डेली लाइफ, ते चलो डेली ब्लॉगिंग जिहड़ी चली जांदी है उहदे तों हट के भी कुछ लियाना ही पैना सी। सो अज पहुंचे हां मुक्सर। बस ते असीं कोई 4:30 चले सी, घंटा लग गया आपां नूं, 4:15 घंटा लग गया सानूं इत्थे आए नूं। बस ते आए सी ना, कुछ बाइक ते सलाह सीगी पर नहीं, बाइक ते मिट्टी मिट्टी भाजी कहिंदे हो जांगे, नाले गर्मी सीगी, टेंपरेचर हले भी मैनूं लगदा 35 का होऊगा। रिक्शे दा स्वाद नहीं आया यार, असीं सोचा गुरुद्वारा दूर होऊगा पर हैगा नेड़े ही सी, बहुत नेड़े ही सीगा गुरुद्वारा। ते जदों असीं वीडियो शूट करन लगे नाल ही गुरुद्वारा आ गया। सो गेट नंबर 4 ते पहुंचे आपां, सानूं पता नहीं किहड़े पासे लग, मैं तां आई पहली वारी आ इस गुरुद्वारे। किवें वी अपने इतिहास जिहड़ा माड़ा मोटा पता उह दस्सांगे तुहानूं। इक वारी चलदे आपां अंदर। गुरुद्वारे एंटर हो चुके हैं आपां, आए हैं बाहर, है ना, ब्लॉग बनाने वास्ते, तुहाडे वास्ते कुछ अलग लैके आए हैं। वैसे तो तुसीं आए होंगे टुट्टी गंढी गुरुद्वारे, है ना, मेन गुरुद्वारा वजदा इत्थों दा। दो तीन गुरुद्वारे होर भी है जिहड़े इतिहास च लिखे हुए है, मतलब इतिहास के अकॉर्डिंग बने हुए, है ना। एक बार चलते हैं दरबार साहब, मत्था वगैरह टेकते हैं, जो इतिहास वगैरह होगा एक बार तुहानूं मैं रोक के दसदा, थोड़ी मत्था वगैरह टेकिया वा, फिर आप चलते हैं जिहड़े मेन गल करांगे, मेन पॉइंट ते आवांगे ना फिर आप। सो मत्था वगैरह अंदर टेकिया, थोड़ी मतलब शांति महसूस हुई, है ना, वधिया फील होया। तो इत्थे जिहड़ा गुरुद्वारे का इतिहास लिख रखिया, टुट्टी गंढी गुरुद्वारा साहिब जी का इतिहास लिखा होया, ये 40 मुक्तियां दे नाम है इधर, तो इधर पूरा इतिहास जिहड़ा मतलब जो खिदराना की ढाप पहला वजदी सी, है ना, मुक्सर तो बाद च नाम पे है, मतलब इतिहास लिख रखिया भी किवें मुक्सर नाम किवें पे, मुक्सर नाम पे है जिहड़े 40 मुक्ते बेदावा लिख के आ गए सी उधर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं आनंदपुर साहब च। 40 मुक्तियां चों मेन जिहड़ा सी मोहरी सी इहनां दा, उह मां सिंह सी। मां सिंह दा इतिहास इस तरह, जदों गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहब सी उत्थे 40 सिंह उहनां दे जिहड़े मेन 40 सिंह सी, उह 5-6 महीने मतलब बिना खाधे पीते रहे, गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहिण दी हिम्मत नहीं सी, तां उहनां ने मां सिंह नूं मोहरी बनाया, ते उहनां ने अगे जा गुरु गोबिंद सिंह जी अगे अरदास लाई भी साढ़े तो होर नहीं रहा जाना, सानू हुण जान दो, इत्थे तुहाडे नाल असीं फौज च नहीं रह सकदे, ना, मतलब जो उहनां दी सेना सी प्रोपर जिहड़ी 600-700 सिखां दी मेरे ख्याल सेना सी गुरु गोबिंद सिंह जी कोल, उहनां चों 40 जिहड़े सी जिहड़े इत्थे आ के मुक्ते बणे। मां सिंह नूं मोहरी बना के गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अरदास लाई भी असीं होर नहीं रहना, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा भी तुसीं लिख के दे दो, इदां लिख दो भी तुसीं मेरे सिंह नहीं ते मैं तुहाडा गुरू नहीं, इदां करके उहनां ने लिखता, ते उह घरे परत गए, उहनां दे घरदिआं ने लानता पाईआं, है ना, भी तुसीं गुरु गोबिंद सिंह जी नूं छड्ड के आ गए, तुसीं उहनां दी सेना चों आ गए। उत्थे माता भाग कौर जी कहिंदे सी भी तुसीं छड्ड के क्यों आ गए, तां उदों माता भाग कौर जी दी अगवाई हेठ 40 सिख जिहड़े सी उह दुबारा पुज्जे इत्थे। गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे ही सी, इत्थे टिब्बी साहिब गुरुद्वारा साइड ते किते, मैनूं पता नहीं शायद किलोमीटर दूर है इत्थों, इत्थे पहलां भी जिहड़ी मुगल सेना सी उह पहुंच गई सी। 40 मुक्तियां ने माता भाग कौर जी दी अगवाई हेठ पहलां जंग लड़ी भी, जिहड़े 40 मुक्ते जंग च शहीद हो गए सी, माता भाग कौर जी उदों थोड़े जख्मी सी, जिहड़े असीं पहलां उधरों गुरुद्वारे आए ना उस पासों, माता भाग कौर जी दा मतलब समर्पित च बनाया होया, ते माता भाग कौर जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दस्सिया ना भी 40 मुक्ते भी तुहानूं जिहड़े उत्थे बेदावा लिख के आ गए सी, ते इत्थे वापस उहनां नूं आपदी गलती दा अहसास होया, ते इत्थे जंग लड़न आई सी दुबारा। गुरु गोबिंद सिंह जी नूं भी होया भी, है ना, जिहड़े 40 मुक्ते बेदावा लिख गए सी उह वापस आए साडे कोल, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपदे वल्लों 5,000 किसे नूं 10,000 उहनां दी झोली पाया, ते गोद चला के सारे नूं सराहना दित्ती भी, चलो शहीद तां हो गए सी फिर भी जिहड़े उहनां दा खून वगैरह जिहड़ा उहनां दे लग्गा सी उहनां नूं पूंजे, है ना, गोद च रख के भाई मां सिंह जी कोल पहुंचे, जदों जिहड़े जख्मी पए सी मतलब लास्ट श्वासां च सीगे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपदी गोद च रख के भाई मां सिंह जी नूं खून वगैरह सी जो भी उहनां ने पूंजिया, भाई मां सिंह जी अंदर गलती दा अहसास उहनां नूं हो रिहा सी, ते गुरु गोबिंद सिंह जी चलो जानी जान सी, है ना, उहनां नूं पता लग गया भी इहनूं गलती दा अहसास हो रिहा, मेरे तों भुल हो गई भी, तुसीं तां बख्शण आ रहे हो, मैनूं बख्श दो, जिहड़ी मेरे तों मेन गलती होई बेदावा सी लिख के आए सी उह तुसीं पाड़ दो। गुरु गोबिंद सिंह जी भी चलो खुश तां होए सीगे, ते उहनां ने मतलब खुशी च बेदावा पाड़ता सी, ते उत्थे ही भाई मां सिंह जी शहीद हो गए सी, उह दर्शन करदे करदे शहीद होए। ते उस तों बाद जिहड़ी आ मेन गुरुद्वारा है, इधर भी अंदर जिहड़ी फोटो मतलब मेन लगी होई ना उपर, थोड़ी छोटी जी चित्रकला जी कीती होई है, उत्थे भी यही फोटो है, भाई मां सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी दी गोदी च है, गुरु गोबिंद सिंह जी बेदावा पाड़ रहे, ये फोटो अंदर लगी हुई है। सो काफ़ी नाले वधिया लग्या इधर, मतलब चारे पासे दरवाजे है गुरुद्वारे के बाहर, तो मैं तो पहली बार आया तुहानूं मैं दस्सिया अगे भी, है ना। सो बहुत वधिया लग्या अंदर, थोड़ी देर बैठे
शांति महसूस हुई। सो आप थोड़ी देर हूँ अगे चलते हैं किसी पास। अंदर तुहानू थोड़ी डिटेल दसी है ना, इतिहास वगैरह दसिया। तो इधर बाहर मार्केट है गुरु साहिबां दे नाल रिलेटिड, सारी माला वगैरह या गुटका साहब या कड़े वगैरह जो भी फोटो वगैरह आप कह सकते हैं सारा कुछ इतों मिल जाता है। कृपान ला लो या गुटका साहब जो भी गुरु साहिबां दे नाल रिलेटिड है। जे मैं गलत बोल जाता माफ़ी चाहना, क्योंकि धर्म के रिलेटिड है ना जो गलबात कर रहे हैं, तो मेरे वालों यही कोशिश रहूगी भी कुछ गलत ना बोलना। तुहानू प्रोपर नॉलेज प्रोपर नहीं कह सकते, सही दसा जो मुँहों निकले सही निकले। तो जिहड़ा मेन गेट है इत्थे गेट नंबर एक, इहदे बाहर ही मार्केट वगैरह है सारी। काफ़ी है ना वधिया लग रहा है गुरुद्वारे आके। मंदिर गुरुद्वारे एक्चुअली बनी है इस चीज़ वास्ते भी बंदा शांति महसूस करता है, अंदर मन तन की थोड़ी शांति प्राप्त होंगी बंदे नूं, काम कार च बंदा लग्या रहिंदा है। सो उत्थे आपां नूं वेल नहीं मिलती, मंदिर गुरुद्वारे आपां वेल टाइम कढ के आने। सो काफ़ी वधिया लगता ना, मन च शांति प्राप्त होंगी है। मेन जिहड़ी गल हुण जिहड़ी मेन टॉपिक ते आने, एक्चुअली उत्थों मैं थोड़ा आउट हो गया सी। खिदराणा तों मुक्तसर क्यों बनिया, जिहड़ा उत्थे 40 मुक्ते शहीद होए सी, 40 मुक्ते शहीद गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत वधिया लगे थे ना, भी उत्थे जदों 40 मुक्ते जिहड़े वेदा वल लेके चल गए सी ते वापस इत्थे आके भी जंग च अपने नाल शामिल होए सी गुरु गोबिंद सिंह जी नाल। गुरु गोबिंद सिंह जी जदों जंग दा टाइम चल रहे सी तां इत्थे 1 किलोमीटर दूर टिब्बी साहिब ते बैठे सी। तो टिब्बी साहब तो भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मैं तुहानूं दस्सिया सी शस्त्र विद्या च गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत मतलब उच्चे लैवल दे शस्त्र विद्या च, तां उत्थों दूरों बैठे भी गुरु गोबिंद सिंह जी तीर चला रहे सी ते दुश्मनां दा टाकरा कर रहे सी। जदों 40 मुक्ते है ना शहीद हो गए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने मां सिंह जी नूं कहा सी भी इह तुहाडी धरती कर्जदार रहेगी है ना, तुहाडी मुक्ति लई कर्जदार रहेगी। इसे तरह मतलब 40 मुक्तियां दी शहीदी दे नां ते मुक्ति दा सर बन गया, तां मुक्तसर मुक्ति दे सर तों मुक्तसर बन गया। मुक्तसर खिदराणा की टाप वैसे इतने छप्पड़ हों पहला जो मतलब जो इतिहास कहता जो मैं वीडियो सुने है ना, छप्पड़ वगैरह हों खिदराणा की टाप वजती सी, तो खिदराणे तो ही यह मुक्तसर बन गया। जो 40 मुक्तियां की शहीदी हुई तो उन्होंने शहीदी के तौर पर यह मुक्तसर बन गया, खिदराणे की टाप तो मुक्तसर बन गया। रोज़ हजारा संगत है ना श्रद्धा भावना नाल आंदी है गुरुद्वारे, रोज़ तो आंदी आंदी है, जिहड़ी मस्या संगराद उदो होर भी संगत आंदी है ना। इत्थे सरोवर च इशनान वगैरह करदे श्रद्धा भावना नाल, ते इत्थे हुण आपां आए माता भाग कौर जी जिहड़े तंबू साहिब, इत्थे मेरे ख्याल जिहड़ा तंबू लाया सी ना सिखां ने, जिहड़े 40 सिख आए सी उन्होंने तंबू ला के उत्ते आपदे कछहरे सरकार ने लाते, जिहड़ा सिग्नल सीगा मुगल सेना नूं दिता सी, सिग्नल दिता सी भी असीं आ चुके हैं। गुरुद्वारा माता भाग कौर जी लिख रहा, जिन्हां नूं माई भागो भी कहा जाता, माई भागो कहिंदे, सुनिया भी है पढ़िया भी है, माई भागो बहुत बहादरी वाले सीगे। सो बैठे सी इत्थे सरोवर ते लत्तां लमका के दोवें बैठे सी, सो उत्थे थोड़े छोटी उम्र दे सी, चलो वधिया दस गया ना, कहिंदे भी लत्तां लमका के ना बैठो, ते मैं पढ़िया भी सी पर मैनूं ऐ सी थलड़ी जिहड़ी पौड़ियां ते भी उत्थे थोड़ी वार्निंग मतलब हुंदी ना बंदे दा पैर फिसल सकदा है, उदा इतने भी जी पहली पौड़ी है उत्थे मैं पैर लमका के बैठा, कहें पैर लमका के नहीं चौंकड़ी मार के बह जाओ। सो चौंकड़ी मार के बैठे हैं इतने। एक होर चीज़ मैंने बहुत वधिया लगी, जिमें गोल्डन टैंपल से चार दरवाजे है, किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी आ सकता है ना, कोई रोक टोक नहीं। इतने भी मेरे ख्याल उस हिसाब ही है भी चार दे भी मेरे ख्याल 6-7 दरवाजे है, नुक्करा से भी है बिच भी है। सो काफ़ी ये चीज़ वधिया लगी, तो हुण सरोवर दुआले बैठे हाँ, बड़ा वधिया ना पानी का फ्लो वेख के बहुत वधिया लग रहा है। पानी दे चलन तो एक अपन जिंदगी सिख्या भी मिलती है भी पानी वांग चलते रहो, इतने चलो एक जगह पर खड़ा है पानी का जोड़ा फ्लो आप नहरों से वेखते हैं, उन्हें तो सीखने मिलता भी पानी वांग चलते रहो, जिथे रोक गए जिमें खड़े पानी च मच्छर पैदा होंगे है उवें ही आप जिथे रोक गए किसी लैवल पर आके रुके हुए हैं, रुके नूं आपां नूं भी मतलब भी आलस महसूस होंगे है ना, जे चलते रहेंगे तो अपना भी कंटिन्यू लैवल अपना वधदा ही रहना, जे रुके रहेंगे तो आप इको लैवल से अड़े रहेंगे। किताबों से पढ़ी सी अज जिंदगी अपलाई भी इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, जिहड़ी चीज़ नूं पढ़दे हो ना उन्हूं इंप्लीमेंट जरूर करया करो, भी पढ़िया पढ़िया ही ना रह जाए। सो जरूर पढ़ के ना इंप्लीमेंट आपदे ते जरूर करया करो। सो एक लास्ट जाते बारे का मत्था टेक लो, आप चलते हैं बस।
क्योंकि टाइम 6:30-7 के करीब हो गया तो आप निकलना भी है ना, लास्ट बस 7:15-7:30 के करीब होंगी है। सो आप जरूरी लास्ट बस नहीं उड़ीकना जी, मतलब मिलती है हूँ टाइम पर तो निकल जाए ना, नाले जल्दी घर पहुँच जाएंगे। सो काफ़ी वधिया लग्या यार मुक्तसर गुरुद्वारे आके, जिदा कि मैं पहला दस्या ना इतिहासिक चीज़ जी, बड़ी चीज़ वो सामने आई अखा दे, उदा ही वेख्या सारा कुछ, तंबू वगैरह या जी भाई मां सिंह जी की हिस्ट्री वगैरह जी उत्थे लिखी हुई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी 40 मुक्ते है ना, 40 मुक्ते शहीद हुए तो उन्होंने नाते ही मुक्तसर बन गया। सो काफ़ी वधिया लग्या, बाकी तुम्हें भी इंजॉय किया होगा, मैं जी हिस्टरी वगैरह सुनाई है जो असी इतने आके एक्सपीरियंस किया तुहानू सुनाया, सो बहुत वधिया लग्या इतने आके। गेट नंबर 4 तो आए थे, सो निकल दिया गेट नंबर 4 तो ही, क्योंकि चप्पल वगैरह इतें ही पई ना अपन, सो इतें ही निकलना पैना। इतों ई रिक्शा फट के निकल दिया बस स्टैंड से, तो नाल अपने हैप्पी ब्लॉगिंग हैप्पी वीरा इन्हों के चैनल में जरूर सबसक्राइब करो, हैप्पी ब्लॉगिंग एक तो चैनल पर मैनशन हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, जरूर सबसक्राइब करो भाजी और चैनल में। दोस्तों मनी भी वीडियो में शेयर कराया करो, वो इन्नी मेहनत कर रहा मुंडा तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाए फलोर का मुंडा, अगे वजे तो बड़ी खुशी होएगी भाजी और ना एको बारी सबब बन गया ना इतने गुरुद्वार का, मैं पहला कभी तो आया नहीं, एको बारी चलो निकले गुरुद्वारे तो मालक ने बुला लिया ना गुरुद्वारे, कहते मत्था टेक के आए, जानते भी नहीं सही गल, दो दिन पहले ही जान लगे हैं। सो इतों निकलते हैं भाई रिक्शा फड़ के बस स्टैंड चलते हैं, रिक्शा से जाने की बजाय तुर के जाना असं बैटर समझिया भी नेड़े ही यार, जो असं पहला भी आए थे सानू आए थे दूर होगा वो नेड़े ही सी, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, सो तुर के चलने। सो मुक्तसरों आप आ गए घर, एक ना होर चीज़ रह गई उत्थे मेरे ध्यान च नहीं रही, हूँ आके मैं पता लगे भी, मैं हमने क्लिप्स वगैरह चैक की ना तो मेन जी चीज़ से रह गई, जोड़ा गुरुद्वारे का ना सी टुट्टी गंढी गुरुद्वारा साहब। टुट्टी गंढी का की मतलब है, कईयों तो पता होगा तो कईयों नहीं पता, जिन्होंने नहीं पता उन्होंने दसदा, टुट्टी गंढी जदों भाई मां सिंह जी जदों बेदावा लिख के चल गए से उत्थे, उन्होंने टुट गई से ना गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा तुम लिख के दे दो भी तुसी मेरे सिख नहीं तो मैं तुहाडा गुरु नहीं, इदा तो भाई मां सिंह जी ने लिख के देता सी इदा, तो उत्थे उन्होंने टुट गई सी, विछोड़ा पै गया सी उन्होंने, 40 मुक्ते घरे गए उत्थे, माता भाग कौर जी ने उन्होंने दोबारा किया भी तुसी जाओ वापस गुरु गोबिंद सिंह जी को, जेडे 40 मुक्ते सी भाई मां सिंह जी भी नाल खिदराणा साहब गुरु गोबिंद सिंह जी को पुजे, तो उत्थे जदों 40 मुक्ते लड़ते लड़ते शहीद हो गए, भाई मां सिंह जी समाते समय जो मतलब आखिरी साह च सके उदो यही कह के गए भी मैनू बख्श दो, जो मैं बेदावा लिखा सी वो पाड़ दो, भी जी साडे वालों ये लिखी गई सी भी तुसी साडे गुरु नहीं असी तुहाडे सिख नहीं, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने 40 मुक्तियां नूं मतलब बख्शता है ना भी उन्होंने भुल्लां बख्शातियां, तो जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो टुट्टी सी वो दोबारा गंढ ली सी, टुट्टी गंढन हार गोपाल है ये लिखा गया गुरबाणी च, सो ता ही करके टुट्टी गंढी गुरुद्वारा साहब बनया भी, जिहड़े 40 मुक्ते उत्थे टुट गए विछोड़ा दे गए गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वो इत्थे आके मिल गए सी, भी इत्थे आके गुरु गोबिंद सिंह जी ने वापस गंढ ली सी 40 मुक्तियां नाल भी बख्शाता सी भी उन्होंने जीडिया उन्होंने तो भुलना हुई सी बख्शातियां सी। सो अज का व्लॉग जिदा का भी लग्या, जे मैं कुछ वध घट बोल गया तो आपका छोटा भरा या मैनू अपना बच्चा जे कोई वड्डा वेख रहा अपना बच्चा समझ के माफ़ करो, मिलते हैं नैक्सट व्लॉग के, ओके बाय बाय।